हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट हाउस वायरिंग के ऊपर। गाइस, बहुत लोगों का यहाँ पे सवाल और बहुत लोगों का यहाँ पे डाउट है कि घर हमें जो अपने घर पे जो है कितने पॉइंट देने चाहिए, कमरे में कितने मॉड्यूलर के प्लेट लगानी चाहिए, कहाँ कहाँ पे पावर पॉइंट देने चाहिए, कहाँ पे यूपीएस पॉइंट देने चाहिए, कहाँ पे जो है अपने को इन्वर्टर लाइन और अपने को गीजर लाइन और किचन में अपने को जो भी पावर पॉइंट चाहिए होते हैं वो कहाँ कहाँ पे सप्लाई करनी होती है, वो सारी आज इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो आज के ये वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है हाउस वायरिंग के ऊपर। कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखनी होगी जब आप घर बनाते हैं, और अपने इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या चीज़ आपको बतानी होगी, वो सारे आज वीडियो पे कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस, सॉरी फॉर द साउंड क्वालिटी थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिला होगा। गाइस, तबीयत जो है थोड़ी सी नाजुक है, खराब है, दैट्स वाई, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस कवर कर रहा हूँ। गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जो है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बैक कैमरा से स्विच करते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ दिखाऊंगा कि कौन कौन से रूम में हमें कितने मॉड्यूलों के प्लेट लगानी चाहिए, इन्वर्टर लाइन हमें कैसे कनेक्ट करनी चाहिए, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। गाइस, तो चलिए बैक कैमरा को स्विच करते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन द हाउस वायरिंग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम की। गाइस, ड्राइंग रूम में आपको हमेशा ध्यान रखना है आपकी जो मेन पावर पॉइंट्स होंगे, जो गाइस हमारी जो मेन पावर पॉइंट ये प्लेट है, ये आपकी 18 मॉड्यूल की होनी चाहिए। अब 18 मॉड्यूल को क्यों होनी चाहिए वो भी मैं सारे कंप्लीट करूंगा, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आपको पॉइंट की कमी हो जाती है और आपको फिर दिक्कत देखने को मिलती है। तो गाइस, मैंने जो यहाँ पे ड्राइंग रूम में जो मैंने मॉड्यूलर प्लेट लगाया है वो 18 मॉड्यूल का लगाया है, जिसमें मेरी जो सेंट्रल वाली जो मॉड्यूल है वो मेरी इन्वर्टर लाइन है और टॉप और बॉटम में मेरी जो है वो रॉ पावर है। गाइस, इसी मॉड्यूल में मेरी यूपीएस लाइन भी है और इसी मॉड्यूल में मेरा रॉ पावर सप्लाई भी है। ये आप अभी ऊपर वाले पॉइंट देख रहे होंगे, ये रॉ पावर सप्लाई है और ये नीचे वाली जो है ये मेरी रॉ पावर सप्लाई है, और ये बीच वाली जो है वो मेरी यूपीएस लाइन यानी इन्वर्टर लाइन है। गाइस, इन्वर्टर लाइन के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का वायर यूज किया है। गाइस, 1.5 square mm का वायर यूज किया है, आप भी 1.5 square mm का वायर यूज कीजिएगा, इससे कम का वायर आपको नहीं यूज करनी है, क्योंकि ये कॉमन लाइन होती है, आपकी हर घर पे एक ही यूपीएस लाइन दौड़ती है। और यहाँ पे हरी वायर देख रहे होंगे, ये मेरी अर्थिंग का पॉइंट है, अर्थिंग का पॉइंट भी मैंने जो है 1.5 square mm की वायर यूज़ किया है, क्योंकि अर्थिंग का वायर भी आपकी कॉमन से होती है, और कभी भी अगर इसमें रिवर्स करंट आता है तो आपकी वायर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसकी एम्पियर रेटिंग को वो झेल सके। गाइस, और जितने भी मैंने पावर मतलब अपनी लाइटनिंग के लिए, फैन के लिए जो भी पॉइंट यूज़ किए हैं गाइस, वो मैंने 1 square mm के यूज़ किए हैं। बहुत लोग 0.75 का भी यूज़ करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 square mm का ही यूज़ कीजिएगा। तो अभी तक तो आपने ये जान लिया कि मेरे को जो है वायर कौन कौन से कितने कितने स्क्वायर एमएम की यूज करनी चाहिए। ब्लैक न्यूट्रल, यहाँ पे जो ब्लैक वायर दिख रही है ये न्यूट्रल है, मैंने जो है 1 square mm के लिए यूज किया है, और मेन जो मेरा आया है वो 2.5 square mm की आ रखी है यहाँ पे, और जो मेन पावर केबल भी जो आई है ना वो 2.5 square mm की आई है, बट स्विच बोर्ड से जो कंट्रोलिंग गई है वो सब 1 square mm की है, यानी इनपुट जो हमारी आ रही है वो 2.5 square mm की आ रही है, जो आउटपुट जा रही है वो 1 square mm की जा रही है। गाइस, तो ये तो रही बात आपकी जो ड्राइंग रूम में आपकी मॉड्यूलर प्लेट होगी वो 18 मॉड्यूल की होगी। गाइस, सो गाइस, सबसे पहले हम ड्राइंग रूम के बारे में ही बात करेंगे। तो ड्राइंग रूम में गाइस, अगर आप फॉल सीलिंग करते हैं ऊपर, तो आपको लाइटनिंग काफ़ी सारी देनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने फॉल सीलिंग करी है और लाइटनिंग काफ़ी सारा दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाली लाइट है दो स्विच से कंट्रोल कर रखा है, एक वहाँ पे भी लाइट लगा रखी है, यहाँ पे देख रहा हूँ फेंडर में, यहाँ पे जो फेंडर की डिजाइन है, यहाँ पे तीन लाइट है, एक ही स्विच से कंट्रोल है, और हर दीवार पे मेरे पॉइंट्स है। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट है, इस दीवार में भी पॉइंट है और इस दीवार में भी पॉइंट है। आपको इलेक्ट्रिशियन को बोलना है कि मेरे को हर दीवार में पावर पॉइंट चाहिए, भले आप यूज़ करो ना करो, लेकिन पावर पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। गाइस, इसी तरह से आपको जो है हर कमरे में जो है टीवी पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे 6 मॉड्यूल का जो मेरा प्लेट है, ये जो है इन्वर्टर पॉइंट है, यानी इसमें जो है मेरी रॉ पावर सप्लाई नहीं आती, इसमें इन्वर्टर सप्लाई आती है, और यहीं से मैंने इन्वर्टर की इनपुट भी कनेक्ट कर रखा है, और यहीं से मैंने आउटपुट भी ले रखा है, सारे इन्वर्टर का लाइन यहीं से कनेक्ट है। और हर कमरे में पावर पॉइंट भी होनी चाहिए, यहाँ पे देख रहे होंगे पावर पॉइंट है, इसी पे मेरा जो है इन्वर्टर कनेक्ट है, यहाँ पे देख रहे होंगे, और इन्वर्टर की आउटपुट जो है मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसलिए मैंने इस तरह से किया। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जो पावर पॉइंट होता है वहीं से एक वायर निकाल देते हैं ताकि आप इन्वर्टर को कनेक्ट कर सके, बट गाइस मैंने वो चीज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ पावर पॉइंट दिया है, और पावर पॉइंट के पास में आपको 6 मॉड्यूल का प्लेट भी देखने को मिल जाएगा। अब ये देने का एक ही रीजन है कि गाइस मैं अपने इन्वर्टर को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको इन्वर्टर मूव करना हो तो आपको इस तरह से पॉइंट को डिफाइन करनी होगी। गाइस,
तो ये तो थी ड्रॉइंग रूम की। ड्रॉइंग रूम में इतने सारे पॉइंट आपको देने होंगे गाइस। अब गाइस बात करते हैं हम बेडरूम में। मैं आ चुका हूँ अभी बेडरूम में। तो बेडरूम में मेरी जो मेन पावर बोर्ड है गाइस, यहाँ पे देख रहे होंगे 12 मॉड्यूल का है। मैंने हर कमरे में 12 मॉड्यूल का प्लेट यूज किया है, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, 8 मॉड्यूल का यूज कर लेते हैं, 6 मॉड्यूल का यूज कर लेते हैं, फिर उनको जो है स्विच की कमी हो जाती है। बट गाइस मेरे को यहाँ पे स्विच की कभी भी कमी नहीं होती है, क्योंकि गाइस मैंने पहले भी बताया आपको कि हर कमरे में आपको हर दीवार पे 4 पॉइंट देनी है। वहां पे भी है, अलमीरा के पीछे भी पॉइंट है, बट अभी वो चिप रखी है। और यहाँ पे भी पॉइंट है, देख रहे होंगे गाइस, और इस दीवार में भी पॉइंट है। यानी मेरे हर दीवार पे 4 पॉइंट है गाइस। और ऊपर देख रहे होंगे कौन सी लाइट भी लगाया, तो कौन सी लाइट को मैंने एक स्विच से कंट्रोल किया है यहाँ पे बेडरूम में। और गाइस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टीवी पॉइंट, हर कमरे में टीवी पॉइंट है। टीवी पॉइंट मेरी जो है वो इन्वर्टर पे है, हमेशा जो है टीवी पॉइंट इन्वर्टर पे रखेगा। और जो स्विच में, जो स्विच बोर्ड में जो आपकी यहाँ पे सॉकेट्स आती है गाइस, इस सॉकेट को हमेशा रॉ पावर पे रखना है। कभी भी गलती से भी इसको जो है आपको इन्वर्टर लाइन नहीं देनी है। तो गलती से अगर कोई यहाँ पे हैवी अप्लायंसेस यूज़ कर देता है, तो आपकी UPS ट्रिप होने की चांसेस होती है, ख़राब होने की चांसेस होती है। तो हमेशा आपको पावर पॉइंट में हमेशा जो है आपको रॉ पावर कनेक्ट करनी है। और गाइस यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने जो फैन की रेगुलेटर यूज़ किया है, यहाँ पे 2 मॉड्यूल का फैन रेगुलेटर यूज़ किया है। बहुत लोग आपको सिंगल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी अगर आपको घर पे काम करता है तो सिंगल मॉड्यूल का यूज़ करता है। सिंगल मॉड्यूल का जो फैन रेगुलेटर है वो मतलब चीप आता है, सस्ता आता है। और 12 मॉड्यूल का, जो 2 मॉड्यूल का जो फैन रेगुलेटर होता है, ये थोड़े से महंगे आते हैं गाइस। बट लॉन्ग लाइफ के लिए 2 मॉड्यूल का जो फैन रेगुलेटर है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इस सजेशन यही करूँगा कि आप घर पे जो है 2 मॉड्यूल का फैन रेगुलेटर यूज़ कीजिएगा। स्विच एंड सॉकेट्स वगैरह आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। जो मोस्टली जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं वो पेंटा यूज़ करते हैं एंकर का, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप अच्छे क्वालिटी पे जाइए, लीग्रैंड पे जाइए, हैवल्स पे जाइए, उसकी स्विच क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी स्विच यूज़ कीजिए। अब गाइस यहाँ पे देखिए मैं लॉबी में आ चुका हूँ। लॉबी में भी मेरी जो है यहाँ पे 12 मॉड्यूल का प्लेट लगा हुआ है, और यहीं पे मैंने जो है अपनी बेल भी लगा रखा है गाइस, और ये भी मेरी रॉ पावर पे है। फैन रेगुलेटर यहाँ पे भी देखेंगे 2 मॉड्यूल का है, और ये मेरी पूरी प्लेट जो है वो 12 मॉड्यूल का है गाइस। इस लॉबी में भी मैंने यहाँ पे क्या किया, टीवी पॉइंट दिया है गाइस। टीवी पॉइंट आपको हर कमरे में देना है, ताकि आप टीवी कहीं पे भी कनेक्ट कर सकें। और पावर पॉइंट देना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। यहाँ पे पावर पॉइंट देख रहे हो, जिसने मैंने अपनी फ्रिज को कनेक्ट किया गया है, और इस तरफ भी एक जो है पावर पॉइंट है, जिसमें मैंने अपने वॉशिंग मशीन को कनेक्ट किया गाइस। और ऊपर की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे भी आप कौन सी लाइट देख रहे होंगे, 4 कौन सी लाइट है, जिसको मैंने 2 स्विच से कंट्रोल किया है। और दीवार में भी देख रहे होंगे हर दीवार पे जो है मेरी पॉइंट है, तो इस चीज़ को देना बहुत ज़रूरी होती है, ध्यान रखिए। अब गाइस आ चुका हूँ मैं दूसरे बेडरूम में। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मेरी 12 मॉड्यूल का प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 मॉड्यूल का फैन रेगुलेटर लगा है। मैंने जितने भी कमरे में फैन रेगुलेटर यूज़ किए हैं, 2 मॉड्यूल का फैन रेगुलेटर यूज़ किए हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है गाइस। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि 2 मॉड्यूल का फैन रेगुलेटर लगाइए। आप अपने घर पर काम करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन को जरूर बोलिए कि मेरे घर पर जो है 2 मॉड्यूल का फैन रेगुलेटर लगनी चाहिए। स्विच सॉकेट वगैरह अच्छे क्वालिटी की लगनी चाहिए, ली ग्रैंड हैवल्स, इस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रॉ पावर यूज़ किया गया है। कहीं पर भी मैंने जो प्लेट है, ये मेरी जो मेन प्लेट है, यहाँ पे मैंने कहीं भी इन्वर्टर का लाइन यूज़ किया है। इन्वर्टर का लाइन ऑब्वियसली यहाँ पे आया है, कुछ लाइट फैंस वगैरह जो इन्वर्टर का लाइन से कंट्रोल है, बाकी सब रॉ पावर से कंट्रोल है गाइस। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे आप ये भी चीज़ कर सकते हो, मैंने अभी एप्लीकेबल नहीं किया है गाइस उस चीज़ को। यहाँ पे देखिए मेरे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के पास में ये वैकेंट एरिया था, तो यहाँ पे मैंने एक जो है बॉक्स बना के रखा हुआ है, ताकि मैं यहाँ पे जो है अपनी नाइट लैंप लगा सकूँ। क्योंकि ऊपर नाइट लैंप लगाते हैं ना तो रात में दिक्कत होती है, नीचे से लाइट आती है ना, आपको सोने में दिक्कत नहीं होगी गाइस। और ऊपर भी देखे गाइस, ऊपर भी चारों पॉइंट में जो है ना आपको जो है पावर पॉइंट देखने को मिलेगी गाइस। अब गाइस मैं आ चुका हूँ बाथरूम से टॉयलेट में। तो गाइस यहाँ पे देख रहे होंगे 6 मॉड्यूल का जो है मैंने प्लेट यूज किया है, और उसमें मैंने जो है पावर पॉइंट स्विच एंड सॉकेट्स यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपको गीजर कनेक्ट करने होते हैं, तो हमेशा बाथरूम में जो है आपको 16 एम्पीयर की स्विच एंड 16 एम्पीयर की सॉकेट यूज करनी है गाइस। ऊपर पे देख रहे होंगे वहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगानी है, तो इसी से ध्यान रखेंगे। बाथरूम में एक एग्जॉस्ट फैन लगानी होती है, तो उसके लिए भी एक पॉइंट आपको छोड़नी है। लाइट आप दे सकते हैं 1 या 2, आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पॉइंट दे सकते हैं गाइस। इसकी स्विच एंड सॉकेट्स हमेशा जो है आउटर में होनी चाहिए, आपकी जो एंट्रेंस है वहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 3 मॉड्यूल का जो है यहाँ पे स्विच लगाया है गाइस। इसी से मेरी लाइट कंट्रोल होती है, इसी से मेरी एग्जॉस्ट कंट्रोल होगी, और बाकी एक पॉइंट अभी मेरी डमी है, खाली है गाइस। और गाइस मैं आ चुका हूँ किचन पे। किचन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मैंने जो है पावर पॉइंट यूज़ किया है, 6 मॉड्यूल का यूज़ किया है, यहाँ पे 16 एम्पीयर का स्विच एंड सॉकेट्स यूज़ किया गाइस। आप भी किचन पे जो है एक कोने पे कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं 16 एम्पीयर का स्विच एंड सॉकेट्स फॉर योर माइक्रो ओवन,
या आपको मिक्सी चलानी हो या और भी कोई चीज़ होम अप्लायंस ऐसी यूज़ करनी हो अपने किचन पे, तो यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। अगर आप किचन में फ्रिज रखना चाहते हैं तो गाइस वहाँ के लिए एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देनी होगी। मैंने फ्रिज जो है लॉबी में रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है, किचन पे मैंने पॉइंट नहीं दिया है। बहुत लोग किचन में भी फ्रिज को रखते हैं तो उसके लिए एक अलग से पॉइंट डिफाइन करनी होगी। पहले आपको लोकेशन डिफाइन करनी होगी, मेरे को किचन में फ्रिज कहाँ रखनी है, उसके हिसाब से एक पावर पॉइंट जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे एक स्विच मॉड्यूल का मैंने स्विच एंड सॉकेट्स दिया है, इसमें मैंने अपने फैन को कंट्रोल किया। गाइस अगर आप किचन में फैन लगाना चाहते हैं तो इस तरह का पॉइंट दे सकते हैं गाइस। और गाइस यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, अभी फिलहाल उसको मैंने लगाया नहीं है स्विच एंड सॉकेट्स। यहाँ पे जो है मेरी जब गीजर्स यानी आरओ जब लगेगी गाइस, इस पॉइंट से मेरी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और गाइस अगर आप चिमनी लगाना चाहते हैं तो चिमनी के लिए भी एक पॉइंट देना जरूरी है। तो यहाँ पे फैन पे जो है मेरी वहीं पे जो चिमनी है वो कनेक्ट हो जाएंगे गाइस, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे चिमनी लगेगा खिड़की पे और इसी पॉइंट पे वो कवर हो जाएगा गाइस। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कंप्लीट होम ट्यूटोरियल मिल गया होगा कि कौन कौन से कमरे में हमें कितने मॉड्यूल के प्लेट लगाने चाहिए, कितने स्क्वायर एमएम की वायर यूज करनी चाहिए गाइस। और भी कुछ अगर आपकी डाउट रह गई होगी इस वीडियो के रिलेटेड तो गाइस कॉमेंट में कमेंट पुट करना, उसके लिए एक अलग से डेडिकेट वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज कमेंट में भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा गाइस। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।